हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अनु। आज मैं आप लोगों से जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है एक नेचुरल हेयर पैक, जिसका यूज़ से कुछ ही दिनों में आपका हेयर लंबे, घने और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और जो लोग का हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं खुद ही इस पैक को वीकली 3 डेज़ यूज़ कर रही हूँ और मेरा हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो चुका है। आप लोग भी इसको यूज़ करना। इसके लिए चाहिए आपको ऑनियन। मेरा हेयर थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने 2 ऑनियन लिए हैं, आप अपना हेयर के हिसाब से लेना। और चारकोल पाउडर, चारकोल पाउडर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, मैंने जो लिए हैं वो अमेज़ोन से लिए हैं। और लगेगा हनी, हनी जो मैं आप देख रहे हो वो मेरा घर का पेड़ में हुआ था जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं डाबर का हनी यूज़ करती हूँ। आप कोई भी ब्रांड का हनी यूज़ कर सकते हो। और साथ में विटामिन ई कैप्सूल, विटामिन ई कैप्सूल आपका कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, आपका आसपास में 20 to 28 रुपीज़ का प्राइस होता है। और ऑनियन का जो जूस है वो आपको मिक्सी में, नहीं तो आप ग्रेट करके उसका जूस निकाल सकते हो। और तीनों चीज़ को अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। इसको जो आप कोई भी जगह में स्टोर करके रख सकते हो, साफ वाला जगह में स्टोर कर सकते हो आप 15 to 20 डेज़। लेकिन मैं इसको तुरंत तुरंत यूज़ करती हूँ क्योंकि प्याज जो है, ऑनियन, ऑनियन का जो झाँझ है वो आप मतलब तुरंत अगर लगा सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उसका झाँझ से क्या होगा, आपका स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई हो जाएगा, जिससे आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो न्यू हेयर भी, वो मतलब न्यू हेयर भी आपका आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको 15 दिन स्टोर कर सकते हो। जब मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो मैं स्टोर करके रख देती हूँ, जब मेरे पास टाइम रहता है मैं डेली यूज़ कर लेती हूँ। हफ्ते में 3 दिन मैं खुद इसको बना के यूज़ कर लेती हूँ। ऑनियन में बहुत मात्रा में सल्फर रहता है जिससे आपका न्यू हेयर प्रोमोट होता है और आपका हेयर का जो भी प्रॉब्लम है वो बंद हो जाता है। और हेयर भी आपका, जो लोग का बहुत ज़्यादा पतला वाला हेयर है वो आप ऑनियन यूज़ करते करते 4-5 महीने में आप देखिएगा आपका हेयर धीरे धीरे, हेयर का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। आप देख सकते हो मेरा हेयर कितना फ्रीजी लग रहा है। मैं 3-4 दिन पहले शैम्पू की थी। अब आपको बालों में, स्कैल्प में अच्छे से इसको लगाना है। दोस्तों, स्प्रे बॉटल इसमें बिल्कुल यूज़ मत करना क्योंकि स्प्रे जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा। मेरा ये वाला स्प्रे बिल्कुल ख़राब हो चुका है क्योंकि जो चारकोल पाउडर है वो स्प्रे का जो मुंह है उसमें जाके बंद हो गया है और स्प्रे ही नहीं हो रहा। तो वो बोतल को मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ, स्टोर कर रही हूँ उसमें। कोई भी आप स्टोर कर सकते हो लेकिन स्प्रे बोतल यूज़ करेंगे तो आपका स्प्रे ख़राब हो जाएगा। देखिए, मैं अभी गई हूँ चेंज करने के लिए क्योंकि और स्प्रे कर रही हूँ तो उससे नहीं निकल रहा है कुछ भी। चलो, एक्सपीरियंस करते करते पता चल जाता है। देखिए, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। आपको इसको स्कैल्प में अच्छे से हल्के हाथों से, इसको मैं थोड़ा फर्स्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ, इतना दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रूटली मैं इसको लगा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को इसको धीरे धीरे स्कैल्प में आपको लगाना है, धीरे धीरे स्कैल्प में लगाना है। और जो ड्रेस पहनेंगे वो घर का कोई ड्रेस आप पहन लेना क्योंकि चारकोल पाउडर का कलर जो है वो ब्लैक है, वो उड़ जाता है। लेकिन फिर भी घर का पहनेंगे तो अगर वाइट रहेगा तो फिर बाहर का अच्छा वाला ड्रेस मत पहनिएगा, और वाइट रहेगा तो कलर ब्लैक हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। 2 सेक्शन में कर लीजिए और पीछे में भी अच्छे से लगाइए। चारकोल पाउडर जो है वो पूरा इन्फेक्शन जो है स्कैल्प में, क्योंकि हम लोग का बाल तभी झड़ते हैं जब इन्फेक्शन रहता है स्कैल्प में, तो इन्फेक्शन से भी होता है तो आपको वो भी ठीक करना है। इसको स्कैल्प में लगाएं तो वो धीरे धीरे आपका स्कैल्प में जो इन्फेक्शन वगैरह है उसको भी बंद कर देगा। और उसके साथ साथ कुछ कुछ चीज़ आपको फॉलो करना है। तो ये तो आपको करना है, ये लगाना है। लगाने के बाद हल्के हाथों से, आप लगाने के बाद 1 घंटे बाद आप हल्के हाथों से इसको धो लीजिए। आप चाहो तो शैम्पू भी कर सकते हो, और नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है, और कोई माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हो इसमें बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपको फॉलो करना है कि आपको रेगुलर 4 से 5 लीटर पानी पीना है और 7 से 8 घंटा सोना है, क्योंकि आप
अगर नहीं सोएंगे, 3 से 4 घंटा सोएंगे तो आपका बाल झड़ना काफ़ी बढ़ जाएगा और दुनिया का कोई भी हेयर सॉल्यूशन आपका हेयर फॉल बंद नहीं कर सकता।